हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, और अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपने चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ बाय द नेम ऑफ 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग। सो जो भी लोग मेरे चैनल पे पहले से आ चुके हों उनको पता होगा कि मैंने लास्ट ईयर एक कोर्स क्रिएट किया था अपने चैनल के लिए 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग बोल के, और उसके बाद मुझे बहुत रिक्वेस्ट आया था आप लोगों की साइड से कि आई शुड ऑल्सो क्रिएट अ कोर्स ऑन डीप लर्निंग। सो मैंने ट्राई किया था लास्ट ईयर, कई बार मैंने ऐसा सोचा कि लेट्स क्रिएट अ कोर्स ऑन डीप लर्निंग, बट ऑनेस्टली आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट द कोर्स। उसका रीज़न ये था कि मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था डीप लर्निंग समझा पाना ऑन कैमरा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है डीप लर्निंग, ठीक है। तो आई टुक सम टाइम, मैंने कुछ लोगों को ऑफलाइन पढ़ाया, मैंने इनफैक्ट बच्चों को भी पढ़ाने का ट्राई किया डीप लर्निंग के जो कोर आइडियाज़ हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स। द होल आइडिया वॉज कि मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से डीप लर्निंग समझा पाऊँ, दैट वॉज द आइडिया, ठीक है। तो पिछले 6-8 महीनों के एफर्ट के बाद आई थिंक अब मैं रेडी हूँ डीप लर्निंग सही से समझा पाने के लिए, पढ़ा पाने के लिए। ऑल्सो मेरा जो NLP वाला कोर्स है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, 2 वीडियोज़ बचे हैं, बट उनके लिए भी डीप लर्निंग की ज़रूरत है। तो आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम टू क्रिएट दिस कोर्स, ठीक है। तो अब कोर्स में क्या होगा, कैसे होगा, उसी के लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि हम क्या करिकुलम फॉलो करेंगे, उसके बाद बेसिक क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, उसके बाद इस कोर्स के खास फीचर्स क्या हैं, ठीक है, और लास्टली मैं कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगा इस पूरे कोर्स में, वो भी आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के दौरान, ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद करिकुलम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो डीप लर्निंग बहुत वास्ट है और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं डीप लर्निंग में, बिकॉज अलग अलग टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। सो मेरा आइडिया इस कोर्स में ये रहेगा कि मैं आपको पूरा का पूरा करिकुलम कवर करके दूँ, ठीक है। तो मैंने इस करिकुलम को बनाने के प्रोसेस में बहुत रिसर्च किया है, मैं खुद पिछले 4 सालों से डीप लर्निंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा आइडिया मुझे भी था, बट इसके बावजूद मैंने कई ऑनलाइन कोर्सेज रेफ़र किए, बहुत सारी बुक्स रेफ़र की, और उसके बाद जाकर के मैंने करिकुलम बनाया है, ठीक है। तो जो हमारा करिकुलम है उसको मैं ब्रॉडली 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। द फर्स्ट कैटेगरी वुड बी ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, जो सबसे सिंपल टाइप का न्यूरल नेटवर्क होता है, सबसे पहले हम इसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद विल शिफ्ट आर फोकस टू CNNs, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, बेसिकली इमेज डेटा के ऊपर जो न्यूरल नेटवर्क सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद विल मूव ऑन टू RNNs, जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स बोलते हैं हम जिन्हें, और टेक्सचुअल डेटा के लिए इनको बहुत यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हम लोग जेनरेटिव मॉडल्स की तरफ जाएंगे, विल डिस्कस GANs एंड विल डिस्कस थिंग्स लाइक ऑटो एनकोडर्स, ठीक है। और इसके बाद जब हम ये सब कुछ कर लेंगे, विल कम बैक एंड डिस्कस अ फ्यू टॉपिक्स लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड लेट्स से लाइक इमेज सेगमेंटेशन। तो मैंने इस पूरे कोर्स को इस तरीके से 5 पार्ट्स में मेरे दिमाग में बांट रखा है। इस पॉइंट पे अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे पास ANN के अंदर हम लोग जो चीज़ें कवर करेंगे उसको मैंने एकदम अच्छे से इलैबोरेटेड तरीके से लिख लिया है एक डॉक्यूमेंट में, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट। सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट, यू कैन सी ये पूरा कोर्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और इसमें हम लोग टोटल मिला के अराउंड 30-35 डेज स्पेंड करेंगे आउट ऑफ 100 डेज, ठीक है। द आइडिया वुड बी कि जो सबसे बेसिक न्यूरल नेटवर्क है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसको हम एकदम अच्छे से पढ़ लें, बिकॉज अगर आपने एक बार इसको कवर कर लिया ना तो आपको आगे के न्यूरल नेटवर्क्स में कम परेशानी होगी बट थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट बेसिक्स, यू कैन सी वॉट इज़ डीप लर्निंग वर्सेज मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग आजकल क्यों फेमस हुआ, डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, थोड़ा पर्स्पेक्टिव मिलेगा डीप लर्निंग के वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद विल स्टार्ट विथ परसेप्ट्रॉन, ठीक है। सो परसेप्ट्रॉन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, मतलब बोला जाता है कि
परसेप्ट्रॉन इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. कोई भी न्यूरल नेटवर्क आप उठाओ परसेप्ट्रॉन से ही बना होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम परसेप्ट्रॉन बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे. विल फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज अ परसेप्ट्रॉन, उसका न्यूरॉन से क्या रिलेशनशिप है, उसमें प्रिडिक्शन कैसे होता है, उसमें ट्रेनिंग कैसे होता है, और फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स एज इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, तो उसके बाद जब हम लोग एक बार ये कर लेंगे, हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स MLP, जिसको हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर आप इसको ANN बोल सकते हो. और इसमें हम सबसे पहले इंट्यूशन लेंगे कि MLPs कैसे काम करते हैं, उसके अंदर जो नोटेशन है वेट्स एंड बायसेस का वो सीखेंगे, उसमें प्रिडिक्शन कैसे होता है ये सब कुछ हम देखेंगे. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे के पूरे कोर्स का, वो है हाउ टू ट्रेन अ न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे लाइक बैक प्रोपोगेशन, ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है, ये हम लोग कवर करेंगे. एक बार जब इतना थ्योरी हमने डेवलप कर लिया, उसके बाद विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल साइड. ठीक है, सो हम सबसे पहले इंस्टॉलेशन देखेंगे, क्योंकि डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना, मैं टेंसर फ्लो के रास की बात कर रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है. मैं उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा ताकि सभी के मशीन पे वो चल पाए. उसके बाद हम लोग केरास लाइब्रेरी को यूज़ करके दो एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि हमने बेसिक्स पढ़ ली हैं. तो पहला एग्जांपल होगा रिग्रेशन के ऊपर और दूसरा होगा क्लासिफिकेशन के ऊपर. उसके बाद जब हमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का थोड़ा आइडिया मिल चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये सीखेंगे कि आपके न्यूरल नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे. हम लोग एक्सप्लोडिंग वैनिशिंग ग्रेडियंट्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग ड्रॉप आउट लेयर्स के बारे में बात करेंगे, रेगुलराइजेशन कैसे अप्लाई किया जाता है न्यूरल नेटवर्क्स में उसकी बात करेंगे. उसके बाद बहुत तरह के ऑप्टिमाइजर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, शायद आपने सुना भी होगा, हम उनके बारे में बात करेंगे. उसके बाद दो तीन और एडवांस टॉपिक्स हैं लाइक ग्रेडियंट चेकिंग एंड क्लिपिंग और बैच नॉर्मलाइजेशन, एक बहुत फेमस चीज़ रिसेंटली डेवलप हुई है. और लास्टली हम लोग सीखेंगे कि हमारे न्यूरल नेटवर्क का हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद लास्ट में विल डू सम एडवांस टॉपिक्स. ठीक है, लाइक कॉलबैक्स क्या होते हैं, टेंसर बोर्ड जो आपका फीचर है उसको कैसे यूज़ करना है टेंसर फ्लो में, प्री ट्रेन्ड मॉडल के साथ कैसे काम करना है. सो हम मॉडल खुद को ट्रेन करते हैं, सेकेंड ऑप्शन है हम किसी और का प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज़ कर लें उसके साथ काम करना. उसके बाद केरास का फंक्शनल API के ऊपर काम करेंगे. सो जनरली हम जब स्टार्ट करेंगे हम लोग सीक्वेंशियल API के ऊपर काम करेंगे, बट मैं आपको फंक्शनल API के ऊपर भी काम करना सिखाऊंगा जो थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, उसके बाद केरास के मॉडल को सेव कैसे किया जाता है, वापस लोड कैसे किया जाता है, और लास्ट में हम लोग स्ट्रीमलेट में एक डीप लर्निंग एप्लीकेशन बना के देखेंगे. और फिर सबसे लास्ट में इस पूरे सेक्शन को कंक्लूड करने के लिए मैं एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट कराऊंगा जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग फिर से यूज़ करेंगे. हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको AWS पे डिप्लॉय करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ 30-35 वीडियोज़ होंगे जो आपके पूरे के जो पूरे ANN वाला जो पूरा सेक्शन है उसको पूरा कवर कर देंगे. ठीक है, ये 30-35 वीडियोस कवर करने के बाद आपका जो फाउंडेशन है डीप लर्निंग में वो बहुत सही हो जाएगा. मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी मिस किया है यहाँ पे कोई भी टॉपिक. अगर मैंने किया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे बताना. और उसके बाद फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स के ऊपर मूव करेंगे. विल स्टार्ट विथ CNN, देन RNN, ऑटो एनकोडर्स, एंड फाइनली हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर मूव करेंगे. ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं हर ऑल्टरनेट डे एक वीडियो बनाऊंगा. डेली वीडियो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि और भी कमिटमेंट्स हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो हम लोग हर ऑल्टरनेट डे कवर करेंगे, तो मोस्ट लाइकली बाय द एंड ऑफ मार्च टू द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल हम लोग फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे. और उसके बाद फिर आई विल शो यू कि हम लोग CNN में क्या पढ़ने वाले हैं और फिर CNN को कंप्लीट करके RNN में क्या पढ़ने वाले हैं. तो ये पूरा का पूरा कोर्स बनने में मुझे लगता है कि 3-4 महीने तो मिनिमम लगेंगे, बट आई विल मेक श्योर कि ये जो ANN वाला पार्ट है, जो सबसे फंडामेंटल पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और आपको आना चाहिए, वो आई विल ट्राई टू कंप्लीट बिफोर 10th April. दैट इज़ माई मेंटल गोल. ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वेयर विल डिस्कस कि हमारा कोर्स के फीचर्स क्या हैं. ठीक है, इस कोर्स की खासियत क्या है मेरे हिसाब से. तो सबसे पहली जो खासियत है वो ये है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेल रिसर्च्ड कोर्स. ठीक है, पिछले एक सालों में मैंने कई बार कई जगहों से डीप लर्निंग पढ़ा है, कई लोगों को पढ़ाया है, एंड आई हैव मेड श्योर
कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो पहला है वेल रिसर्च्ड, जो कंटेंट आपको मिलेगा आई विल मेक श्योर कि वो गलत ना हो किसी भी तरीके पे। सेकंड, इजी टू कंज्यूम, इसका मतलब ये है कि मैं इस तरीके से इस पूरे प्लेलिस्ट को शूट करूँगा कि आप एकदम बिगिनर भी हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये मैं बहुत दिल पे लेता हूँ अपने कि जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो दैट इज़ अ चैलेंज दैट आई टेक कि सबको समझ में आना चाहिए। तो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि सबको ये कोर्स समझ में आए, ठीक है। थर्ड जो चीज़ है, इट विल बी वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। मैंने इस तरीके से ही प्लान किया है इस कोर्स को बनाने का कि ये एग्जैक्टली 100 डेज़ के अराउंड कंप्लीट हो, पांचों सेक्शंस, और 100 डेज़ में आपको पूरा एंड टू एंड मशीन लर्निंग समझ में आ जाए। तो 30 डेज़ अराउंड हम लोग ANN पे स्पेंड कर रहे हैं, 20 दिन शायद लगेंगे CNN के ऊपर, 20-25 दिन लगेंगे शायद RNN के ऊपर, और फिर बाकी बचे हुए दिन हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और गैन्स वगैरह के ऊपर स्पेंड करेंगे। तो द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड अ वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर कोर्स वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और फिर समझने में परेशानी होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट जिसके ऊपर मैं फोकस करूंगा कि जो कॉन्टेंट है वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। फोर्थ, मोस्टली आई विल बी यूजिंग टेंसर फ्लो प्लस केरास, ठीक है। एक और ऑप्शन भी था, हम लोग पाइटॉर्च यूज़ कर सकते थे, बट मैंने इतना नोटिस किया है कि इंडस्ट्री में कंपनीज जनरली केरास और टेंसर फ्लो ज़्यादा यूज़ करती हैं। रिसर्च ड्रिवन काम में पाइटॉर्च यूज़ होता है। तो आई विल यूज़ केरास एंड टेंसर फ्लो फॉर दिस कोर्स, बट फ्यूचर में जब एक बार ये ख़त्म हो जाए तो हम पाइटॉर्च के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। द फिफ्थ थिंग वुड बी वी विल डू प्रोजेक्ट्स इन बिटवीन। सो डीप लर्निंग पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, हमें साथ में प्रोजेक्ट्स भी करने होंगे। तो आई विल मेक श्योर कि जब भी हम कोई लैंडमार्क हिट करते हैं, लेट्स से हमने ANN पूरा पढ़ लिया, तो हम उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने से क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू इम्पोर्ट मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स इन टू द प्ले लिस्ट। सो हर सेक्शन के बाद आई विल ट्राई टू डू वन एंड टू एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फिलहाल मेरे दिमाग में तो यही 4-5 फीचर्स हैं, और बाकी तो आप बताना अगर आपकी साइड से कुछ फीडबैक है जो आप ऐड करना चाहते हो, आई विल डेफिनेटली ऐड इट टू द प्ले लिस्ट। नाउ लेट्स डिस्कस कि आपको क्या आना चाहिए इस कोर्स को स्टार्ट करने के पहले, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्री रिक्विजिट है कि आपको पाइथन का बेसिक्स तो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग अज्यूम करके स्टार्ट करेंगे ये कोर्स कि आपको पाइथन आता है। मैं जहाँ वहाँ कोर्स में पाइथन लैंग्वेज यूज़ करूँगा और आई विल अज्यूम कि आपको पाइथन आता है। अगर आपको पाइथन नहीं आता है तो आपको फिर कोड समझने में परेशानी होगी। तो दैट इज़ अजम्पशन नंबर वन। सेकेंड, यू शुड ऑल्सो नो द बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग। सब कुछ नहीं भी आता है तो चलेगा, बट एक जो ओवरऑल फ्लो होता है कि मॉडल को कैसे ट्रेन किया जाता है, डेटा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे सर्व किया जाता है, एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों के लिए अगर आप चाहो तो आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है 100 डेज़ ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप इतना कर लेते हो उससे आगे आपको पाइथन में जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जैसा मैंने बताया, 100 डेज़ ऑफ मशीन लर्निंग, आप इसको फॉलो कर सकते हो टू लर्न द बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। सब कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, आई एम नॉट सेइंग कि आप सारे एल्गोरिदम्स कवर करके आओ, बट जो बेसिक फंडा होता है मशीन लर्निंग का, एक मॉडल को ट्रेन करना, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा एक जो थर्ड चीज़ है वो आपको आनी चाहिए है, और वो है लीनियर एल्जेब्रा। सो डीप लर्निंग में लीनियर एल्जेब्रा बहुत यूज़ होता है। इनफैक्ट जितने भी आपकी लाइब्रेरीज हैं वो फंडामेंटली लीनियर एल्जेब्रा को ही यूज़ करके बनी हुई हैं, तो बहुत यूज़ होगा। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए लीनियर एल्जेब्रा के बारे में। आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू अ चैनल कॉल्ड 3 3 Blue 1 Brown। ये एक चैनल है, इनका एक प्लेलिस्ट है ऑन लीनियर एल्जेब्रा। आई वुड रिकमेंड आप उसका फर्स्ट 5 वीडियोज़ देख लो सो दैट आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए, लाइक कॉन्सेप्ट जो आपके होते हैं, मेट्रिसेस कैसे काम करते हैं और आपके वेक्टर्स क्या होते हैं और आपका डॉट प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए।
तो फिर थोड़ा इजी लगेगा कोर्स, ठीक है। लास्टली आई विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड यू सम एक्स्ट्रा कॉन्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स। सो द फर्स्ट थिंग वुड बी कि मैं कुछ दिनों के बाद आपके लिए एक पूरा प्रॉपर डीप लर्निंग रोड मैप लेके आऊँगा। सो इवन इफ आप मेरा कोर्स फॉलो नहीं करो, ये रोड मैप आपको हेल्प करेगा खुद से डीप लर्निंग पढ़ने में, ठीक है। तो ये मुझे आपको ये प्रोवाइड करना है। सेकेंड, आई विल मेक वन और टू वीडियोज़ ऑन डीप लर्निंग प्रोजेक्ट आइडियाज़। ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोग फाइनल ईयर में हो या फिर आप लोग पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, तो हमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स ऐड करने चाहिए। तो डीप लर्निंग की डोमेन में आपको जिस तरह के भी प्रोजेक्ट्स लगेंगे वो काइंड ऑफ मैं एक वीडियो बना करके आपके सामने शेयर कर दूंगा, ठीक है। थर्ड, आई विल डू प्रोजेक्ट्स, फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट्स जैसा मैंने बताया थोड़ी देर के पहले। फोर्थ, जब कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा, इनफैक्ट हर सेक्शन के बाद, आई विल ट्राई टू पुट इंटरव्यू प्रिपरेशन एज एन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उस सेक्शन के ऊपर, जैसे ANN हमने पढ़ा, तो ANN कंप्लीट होने के बाद मैं आपके साथ टॉप 30-40 क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा और वो फिर आपको इंटरव्यू के टाइम पे हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ आइडियाज़ आते हैं बीच में तो आई विल ट्राई टू ऐड देम। तो दिस इज़ द एंटायर थिंग जो अभी मेरे दिमाग में है और हम लोग स्टार्ट करेंगे परसों से। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन थर्सडे, ठीक है। और फिर हर ऑल्टरनेट डे आई विल ट्राई टू पुट अप अ वीडियो, ठीक है। गोल इज 10th अप्रैल के अराउंड हमें अपना पहला सेक्शन ANN पूरा कंप्लीट करना है और फिर हम लोग को मूव करना है टुवर्ड्स CNN। कुछ भी करके ये कोर्स 3 to 4 months तो आराम से लेगा जैसा मुझे लग रहा है, बट आई गेस इतना टाइम देना ज़रूरी है टू क्रिएट अ गुड कोर्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा बीच में मेरे कमिटमेंट के इश्यूज़ आ सकते हैं। आई हैव टू गो टू अ कॉलेज टू कंडक्ट अ प्लेसमेंट ट्रेनिंग, तो थोड़ा टाइम उसमें जा सकता है, बट अगेन आई ट्राई कि कोर्स पूरा कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। तो अभी मेरा पूरा ध्यान इस चीज़ पे है कि 10th तक मुझे फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट करना है, विच विल इंक्लूड 30-35 days ऑफ वीडियो। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बहुत एफर्ट लगने वाला है इस कोर्स में, मुझे पता है ऑलरेडी, तो थोड़ा आपकी साइड से हेल्प चाहिए। हेल्प ये है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मैंने देखा है कि मतलब लोग आ रहे हैं, लोग वीडियोस देख भी रहे हैं, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। अगर आप उनमें से एक हो तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब यार, मतलब इट मैटर्स। मतलब मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ, इट मैटर्स अ लॉट फॉर मी। सो अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। दैट्स अ रिक्वेस्ट। सेकेंड, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ये जो वीडियो है ना, इसको प्लीज़ लाइक करो। जितना मैंने देखा है, लाइक होने से कंटेंट पुश होता है यूट्यूब पे और ज़्यादा रीच बढ़ता है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो आई वॉन्ट कि ये कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक इट। ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और फिर हम जब कोर्स स्टार्ट करेंगे ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे इस कोर्स से, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। परसों मिलते हैं विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस कोर्स। आई होप यू आर एक्साइटेड, मैं तो बहुत हूँ, ठीक है। सो चलो बाय।